हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राजू बिग टेक वन पर। दोस्तों, आज जो हमारे पास डिवाइस है ये है वीवो का वीवो 16, वीवो भी 16। और दोस्तों, इस मोबाइल में लगा हुआ है FRP, गूगल अकाउंट लॉक। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे इसका FRP बाईपास कैसे करते हैं, गूगल अकाउंट लॉक। तो चलिए, मैं यहाँ पर आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि इसमें गूगल अकाउंट लॉक लगा है कि नहीं लगा है। तो चलिए, मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद क्या करना है आपको दोस्तों, यहाँ पर आपको आएगा इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस डिवाइस को आपको वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है। तो मैं चलिए वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको किसी डिवाइस से इसको वाईफाई से आपको कनेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर डोंट कॉपी पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर पाइथन शो कर रहा है, या हो सकता है आपका यहाँ पर पिन शो करेगा, फिर आपका पासवर्ड यहाँ पर शो करेगा। अगर दोस्तों यहाँ पर आपका पिन पासवर्ड यहाँ पर अगर आपको याद रहेगा तो यहाँ पर इसको डाल के आप इसको आसानी से अनलॉक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो फिर यहाँ पर आपको यूज माई गूगल अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, अभी आपके सामने इस प्रकार से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या मांग रहा है, यहाँ पर वेरीफाई योर अकाउंट मांग रहा है। मतलब दोस्तों, इस मोबाइल में जो पहले से इसमें जो आईडी इसमें लगा हुआ था, जो गूगल आईडी, वही जीमेल अकाउंट अगर यहाँ पर आप डालेंगे तो आपका डिवाइस यहाँ पर अनलॉक हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर जीमेल आईडी नहीं पता, यहाँ पर पासवर्ड भी नहीं पता है, तो दोस्तों इसका गूगल अकाउंट लॉक आपको रिमूव करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको इसका FRP बाईपास करना पड़ेगा। अब दोस्तों, कैसे इसका FRP बाईपास करना है, यहाँ पर चलिए मैं आपको एकदम आसान ट्रिक बताऊंगा। बिल्कुल दोस्तों, एकदम घर बैठे ही आप बिना किसी कंप्यूटर के, बिना किसी एप्लीकेशन के, दोस्तों विदाउट कंप्यूटर विदाउट एप्लीकेशन, आप दोस्तों एकदम घर बैठे ही आसानी से इसका FRP बाईपास कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ से बैक करते जाना है। आपको बैक करके पूरा आपको सीधे होम पर चले जाना है। अब दोस्तों क्या करना है, आपको ऊपर मिलेगा एक्सेसिबिलिटी सेटिंग, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसका दोस्तों यहाँ पर मिलेगा आपको, नीचे मिलेगा आपको टॉल्क बैक, आपको इस पर क्लिक कर देना है। एंड दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर मिलेगा आपको यूज टॉल्क बैक, आपको इसको चालू कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको इसको अलाउ कर देना है इस प्रकार से। एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। अब दोस्तों जैसे बस बताऊंगा वैसे सेम आपको यहाँ पे करना है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है आपको, आपको इस तरह से देखिए यहाँ पर ऐसे इस तरह से आपको एल बनाना है। देखिए इस तरह से ऐसे आपको एल इस तरह से बना देना है। एंड इसके बाद फिर से आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मिलेगा आपको ओनली दिस टाइम, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से आपके सामने इस प्रकार से नया इंटरफेस खुलेगा। अब दोस्तों नीचे यहाँ पर मिलेगा आपको यूज वॉइस कमांड, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बोलना है आपको गूगल असिस्टेंट, यहाँ पर आपको बोलना है गूगल असिस्टेंट। जैसे बोलेंगे इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से फिर नया पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों फिर से यहाँ पर आपको बोलना है ओपन सेटिंग। जैसे दोस्तों ओपन सेटिंग बोलेंगे, इसका दोस्तों यहाँ पर आपका मोबाइल का सेटिंग यहाँ पर खुल के आ जाएगा इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर दोनों उंगली से यहाँ पर आपको एक बार नीचे आपको इस तरह से आपको स्क्रॉल करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा प्राइवेसी, आपको यहाँ पर सिंपली दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ पर प्राइवेसी पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए मिलेगा आपको देखने को एक्सेसिबिलिटी यूजेज, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसको यहाँ पर आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। एंड दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा यूज टॉल्क बैक, इसको आपको ऑफ कर देना है। आपको दोस्तों यहाँ पर इसको इस तरह से इसको ऑफ कर देना है, स्टॉप कर देना है। इसको दोस्तों इधर से बैक करना है एक बार। अब क्या करना है दोस्तों, इधर से आपको फिर से एक बार बैक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको फिर से आपको ऊपर जाना है। आपको यहां पर ऊपर मिलेगा एप्स, यहां पर मिलेगा आपको एप्स, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर मिलेगा आपको सी आल एप्स, आपको इस पर क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद यहां पर आपको मिलेगा एंड्रॉयड ऑटो, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको नीचे मिलेगा यहां पर आपको स्टोरेज कैच, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको क्लियर कैच कर देना है, इसको यहाँ पर क्लियर स्टोरेज कर देना है। अब इसके बाद फिर से आपको इधर से बैक करना है। एंड इसके बाद फिर से यहाँ पर आपको मिलेगा एंड्रॉयड सेटअप, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसको फिर से यहाँ पर आपको स्टोरेज कैच पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर इसका क्लियर कर देना है कैच, इसका दोस्तों यहाँ पर बैक कर देना है। एंड दोस्तों क्या करना है, फिर से यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है। तो दोस्तों यहाँ पर मिलेगा आपको गूगल प्ले सर्विस, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसका फिर से यहाँ पर मिलेगा आपको स्टोरेज कैच, आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर से इसका भी आपको क्लियर कैच कर लेना है और यहाँ पे क्लियर स्टोरेज कर लेना है। इसके बाद दोस्तों हम नीचे मिलेगा आपको यहाँ पे क्लियर ऑल डाटा, आपको सिंपली दोस्तों इस पर क्लिक करना है। इसको दोस्तों ओके पे क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद इधर से आपको बैक कर देना है।
फिर से आपको बैक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपको जाना है सिस्टम में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा सिस्टम, आपको सिंपली सिस्टम पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप सिस्टम पे क्लिक करेंगे, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मिलेगा आपको रीसेट ऑप्शन, आपको दोस्तों मिलेगा रीसेट ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मिलेगा आपको रीसेट ऑल सेटिंग, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इन दोस्तों नीचे फिर से मिलेगा रीसेट ऑल सेटिंग, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर मोबाइल आपका देखिए होगा रिस्टोरिंग, प्लीज़ वेट। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों आपका डिवाइस यहाँ पर इस तरह देखिए आपका डिवाइस यहाँ पर रिस्टार्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ सेकंड यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ मिनट टाइम लगता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बस वेट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका मोबाइल यहाँ पर रिस्टार्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मोबाइल आपका इस प्रकार से देखिए रिस्टार्ट होगा, यहाँ पर इस तरह से लोगो दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं टेंशन लेना है, यहाँ पर बस आपको कुछ मिनट यहाँ पर बस आपको वेट करना है। तो दोस्तों इसके बाद देखिए फिर से यहाँ पर इस प्रकार देखिए आपका सामने इंटरफेस खुलेगा। फिर से दोस्तों यहाँ पर मोबाइल आपका डिवाइस यहाँ पर रिस्टार्ट होगा। तो मैं यहाँ पर वीडियो को फास्ट कर दे रहा हूँ, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो वीडियो मैं यहाँ पर फास्ट कर दूंगा। तो दोस्तों बस यहाँ पर आपको कुछ मिनट यहाँ पर आपको वेट कर लेना है। तो दोस्तों इसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से आपके सामने इस प्रकार से मोबाइल आपका चालू हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करना है। इन यहाँ पर फिर से इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद दोस्तों फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब दोस्तों क्या करना है, अब आपको फिर से यहाँ पर डिवाइस को अपने इसको आपको वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है। चलिए मैं वाईफाई से यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ सेकंड इसके बाद आपको वेट करना है। इसके बाद दोस्तों फिर से आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको इधर फिर से मिलेगा आपको डोंट कॉपी, आपको इस पर क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद दोस्तों फिर कुछ सेकंड वेट करना है। इसके बाद दोस्तों फिर से यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार फिर से इंटरफेस खुलेगा। अब दोस्तों क्या करना है, फिर से इधर से आपको बैक करना है। तो गाइस फिर से आपको बैक करना है, सीधे फिर से आपको यहाँ पर होम पे चले आना है। अब दोस्तों क्या करना है, फिर से यहाँ पर आपको ऊपर मिलेगा आपको एक्सेसिबिलिटी सेटिंग, आपको यहाँ पर फिर से आपको ऊपर में क्लिक कर देना है। इसका दोस्तों फिर से आपको नीचे आना है, यहाँ पर मिलेगा आपको टॉक बैक, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर से आपको टॉक बैक को यहाँ पर आपको ऑन कर लेना है। एंड इसके बाद यहाँ पर आपको अलाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर अलाउ पर क्लिक करेंगे, अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर उल्टा आपको इस तरह से आपको ऐसे एल बनाना है, इस तरह से आपको ऐसे एल बना देना है। एंड इसके बाद फिर से यहाँ पर ऑनली दिस टाइम पर क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद फिर से आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब दोस्तों फिर से यहाँ पर आपको बोलना है गूगल असिस्टेंस। जैसे आप इस ऐसे बोलेंगे, यहाँ पर फिर से आपका गूगल असिस्टेंस इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको बोलना है ओपन सेटिंग, तो फिर दोस्तों यहाँ पर आपका मोबाइल का सेटिंग इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों फिर से आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है। अब दोस्तों क्या करना है, आपको फिर से जाना है प्राइवेसी पर, आपको मिलेगा दोस्तों यहाँ पर देखिए मिलेगा प्राइवेसी, आपको फिर से इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से आपको ऊपर मिलेगा एक्सेसिबिलिटी यूजेज, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से दोस्तों इधर मिलेगा आपको सेटिंग, आपको यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करना है। अब दोस्तों फिर से यहाँ पर आपको टॉक बैक को यहाँ पर आपको ऑफ कर लेना है, इस तरह से आपको इसको स्टॉप कर देना है, फिर से बैक करना है। एंड फिर से यहाँ पर आपको जाना है ऐप्स पर, यहाँ पर आपको ऐप्स पर क्लिक कर देना है। एंड दोस्तों यहाँ पर मिलेगा आपको यूट्यूब, आपको यूट्यूब पर क्लिक करना है। एंड दोस्तों इसके बाद यहाँ मिलेगा आपको नोटिफिकेशन, आपको दोस्तों यहाँ पर सिंपली नोटिफिकेशन पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। एंड दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे आना है, नीचे यहाँ पर मिलेगा आपको एडिशनल सेटिंग, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ मिलेगा आपको हिस्ट्री एंड प्राइवेसी, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर से दोस्तों यहाँ मिलेगा यूट्यूब, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों ऊपर में मिलेगा आपको सर्च बार, आपको इस पर एक बार टैप करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको टैप करना है वीएन रोम, इसके बाद दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर मिलेगा आपको फर्स्ट वेबसाइट, यहाँ पर मिलेगा आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से कई ऑप्शन यहाँ पर खुल के आ जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा स्क्रीन स्मार्ट लॉक, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने फिर से इस प्रकार से आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर मिलेगा पाइथन पिन, तो दोस्तों यहाँ पर पिन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 1 2 3 4 यहाँ पर पिन आपको बना लेना है। इसका फिर से यहाँ पर दोस्तों दोबारा सेलेक्ट करना है, फिर से आपको यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पर फिर से आपको डाल देना है। और यहाँ पर फिर दोस्तों यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होगा। दोस्तों यहाँ पे मिलेगा आपको SIM, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको गो इट पर क्लिक कर देना है। अब चलिए यहाँ पर जो पिन हमने बनाया, चलिए उसको यहाँ पर चेक करते, चलिए यहाँ पर इसको पावर आपको यहाँ पर दबाते हैं एक बार। इसका फिर से यहाँ पर पावर आपको एक बार फिर से प्रेस करते हैं। आप दोस्तों चलिए यहाँ पिन डालते हैं 1 2 3 4।
अब दोस्तों यहाँ पर ओके पे क्लिक करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो हमने बनाया अभी पिन कोड यहाँ पर काम कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर सिंपली क्या करना है, इधर से आपको बैक करना है, इस तरह से आपको बैक करना है, सीधे फिर से आपको चले जाना है होम पर, इस तरह से आपको बैक करते चले जाना है पूरा। अब दोस्तों क्या करना है, फिर से यहाँ पर आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है, यानी यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब दोस्तों कुछ सेकेंड यहाँ पर वेट करना है आपको। अब इसके बाद फिर से यहाँ पर आपको डोंट कॉपी पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर डोंट कॉपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसके बाद आपको फिर कुछ सेकेंड यहाँ पर वेट करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर था पैटर्न, यहाँ पर देखिए अब पिन आ गया है, जो अभी दोस्तों कुछ देर पहले यहाँ पर था यहाँ पर पैटर्न, अब वो देखिए पैटर्न यहाँ पर हट चुका है। अब दोस्तों क्या करें, जो पिन हम मतलब वहाँ पर बनाए हैं 1 2 3 4 इसको डालना है। अब यहाँ पर फिर से आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों फिर से यहाँ पर कुछ सेकेंड आपको यहाँ पर वेट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो भी हमारा था गूगल अकाउंट यहाँ पर रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पर जीमेल और पासवर्ड से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पर सिंपली अब यहाँ पर स्किप का आपको नीचे ऑप्शन देखिए मिल रहा है। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर स्किप पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्किप करेंगे इसके बाद फिर से यहाँ पर मिलेगा आपको स्किप, फिर से यहाँ पर आपको स्किप पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर मिलेगा आपको मोर, आपको मोर पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपको एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर से आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, फिर से यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा फोन यहाँ पर देखिए रेडी हो रहा है, तो बस यहाँ पर कुछ सेकेंड यहाँ पर बस आपको वेट करना है। अब यहाँ पर दोस्तों फिर से यहाँ पर आपको नेक्स्ट मिलेगा ऑप्शन, यहाँ पर फिर से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर फिर से दोस्तों यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है, यानी यहाँ पर आपको यूज नाउ पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कंग्रेचुलेशन यहाँ पर लिख कर आ गया है। आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा फोन यहाँ पर रेडी हो चुका है, चालू हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत आसानी से आप वीवो V16 का FRP बाईपास कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसे ही वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में घंटी को दबा के ऑल क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हमारी कोई भी नई वीडियो आए उसका जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्द मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।